अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ ज़िंदगी की खबर के साथ मैं आमिर आज़ाद, जो कि मौजूद हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है, 17 जुलाई पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन, और लाहौर के एरिए गढ़ी शो में सदर में जो दो बंदों के दरमियान नून लीग और तहरीक इंसाफ का कांटे का मुकाबला चल रहा है और वोटिंग चल रही है, और हम जानेंगे आज आवाम से कि वो किस को वोट कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, किसको वोट किया आपने, किस वजह से? हमने जनाब पीटीआई को किया जी। पीटीआई को वोट करने की क्या वजह है? वजह यह है कि वो अच्छा बंदा है और सच्चा बंदा है, मुल्क को बेहतर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल दूसरों की निस्बत वो बेहतर है। देखो पहले बहुत बेहतर है, देखो अगर उसको कोई चांस और दें, उसका वक्त यानी कि पूरा पूरा उसको जनाब टाइम दें, पीरियड दें, कोई मुल्क को जनाब वो लगा के नहीं ले जाएगा पहिए वगैरह, उसको टाइम दें। इसको आपने भी 20 साल 18 साल जनाब की है, तो भाई उसको भी जनाब देना चाहिए टाइम, उसका हक है, कोई ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि उसके पास कोई बेहतर ऐसे हाल हों कि जो मुल्क को जनाब बेहतर यानी कर सके। बहुत अच्छी बात की है कि जी उसको एक मौका प्रॉपर मिलना चाहिए ताकि वो दोबारा से मुल्क के लिए बेहतर करने की कोशिश करे। जी तो भाई जान, आपने वोट कास्ट किया है? जी किया। किसको किया है? इमरान खान को। क्या वजह है? इमरान खान एक अच्छा इंसान है, ईमानदार इंसान है और मुल्क के लिए बेहतर है वो बहुत ज़्यादा। दूसरों की निस्बत कैसे देख रहे हैं आप, ये जो आप वोटिंग करके आए हैं यहाँ पे, सारे मुनज़्ज़म हालात हैं, सब कंट्रोल में चल रहा है या कोई रिगिंग का आपको सीन नज़र आ रहा है? नहीं अल्लाह का शुक्र अभी तक तो ठीक है सारा मामला। अच्छा, या कोई ऐसा मसला नहीं है? सुबह से कोई झड़प वगैरह कोई आपस में? कोई ऐसा मसला नहीं है, सारे काम ठीक चल रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसकी आपको लग रहा है अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो किसका जोर है? अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है तो बिल्कुल इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह। तो ये ज़िमनी इलेक्शन को अगर खान साहब कवर करते हैं तो फिर आप जो उनके सपोर्टर हैं आपकी डिमांड भी यही है कि जनरल इलेक्शन की तरफ भी फौरी जाया जाए? हाँ इंशाल्लाह ताला जरूर जाएंगे वहाँ पर, और जाना भी बहुत जल्द जाना चाहिए वहाँ पर। दूसरे अपने वोटर्स को, पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देते हैं कि वो भी किस वजह से खान साहब को वोट करें? मैं उनको यही बोलूँगा कि ईमानदार आदमी है, अच्छा इंसान है। देखें ना, छोटी सी मैं आपको इसी बात बताता हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे जो 150 रुपये के पेट्रोल पर कहते थे कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। आज 250 रुपये लीटर पेट्रोल है तो उनको महंगाई नज़र ही नहीं आ रही। आज वो, मैं सिर्फ तलाश करता हूँ आज वो लोग कहाँ पर हैं जो लेते थे घी लेते थे, कहते थे 120 रुपये महंगे हो गए, 100 रुपया महंगा हो गया, और पेट्रोल डलवाते थे 150 रुपये, उनको रातों को नींद नहीं आती थी 150 रुपये की पेट्रोल। आज 250 रुपये की पेट्रोल डलवा के वो रात को सो कैसे जाते हैं, जिनको इतना गरीब का ख्याल था। आज अगर गरीब का ख्याल है तो आए इमरान खान को वोट दें, ठीक है? जो कम से कम जो खुद अपनी तकरीर में कहता है कि मैं 120 रुपये 100 रुपये पेट्रोल अपनी आवाम को दे सकता हूँ, ठीक है, और वो बिल्कुल दे सकता है, उसको अपना कोई जाती मुफाद नहीं। पेट्रोल की कीमतें नीचे आ गई हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, आई मेरी बात आई हैं, बिल्कुल आई हैं, नेशनली नीचे आई हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में 100 रुपीज़ बढ़ा है और 18 रुपये वो हुआ ऐसे है कि इन्होंने मुआहदा करके आए 310 रुपये का IMF के साथ। इनको नहीं है आलमी मामला कि आलमी नीचे आए या आलमी ऊपर आए, जो मुआहदा कर रहे हैं वो मुआहदा पढ़े ना नून लीग वाले, वो लोग पढ़े देखे कि ये मुआहदा क्या कर गया है, ये क्या बकवासबाजी है। पेट्रोल एक माह में उसने 3.5 साल में 80 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, इन्होंने एक माह के अंदर 100 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, क्या इनको नज़र नहीं आया ये सोए हुए हैं? ठीक है, इनको जागे, इनको नज़र आए, ये सिर्फ अपने कहते हैं नवाज शरीफ ये वो, सिर्फ एक शख्सियत को लेकर चल पड़े हैं, और हक का और सच का फैसला करें, अच्छा और बुरा कौन है। अल्लाह ताला ने इंसान को ना अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई हुई है कि हाँ अच्छा कौन है और बुरा कौन है, वो देखें। ये ऐसे नहीं होगा जी शेर क्या है शेर, ठीक है शेर शेर क्या देखेगा मुल्क के मुफाद के। 3 साल 8 महीने गवर्नमेंट की, क्या इनको नजर आई उसकी एक चोरी? FIA नैब पुलिस अदलिया हर चीज़ इनके पास है, उसकी एक चोरी साबित करके दिखाएं, कभी जी तोशाखाना की घड़ी, कभी जी फलानी चीज़, कभी हार, कभी फड़ा गोगी, क्या बकवास बाजी, क्या फड़ा गोगी, ठीक है। तुम लोगों का मकसूद चपड़ासी कहाँ बढ़ा है, ठीक है, उसको इन्होंने मरवा दिया। FIA का डायरेक्टर रिजवान कहाँ बढ़ा है, उसको इन्होंने मरवा दिया, कहाँ बढ़ गए सब ये, ठीक है। उसके बाद जी मरियम नवाज कहती है जी तुम्हारा तो कोई वाली वारस नहीं है, ना जी तुम्हारे आगे नहीं है, ना तुम्हारे कोई पीछे नहीं है। मैं इसको बताता हूँ वाली वारस या आगे पीछे, हम इमरान खान के बेटे और भाई हैं, हम उसके दोस्त हैं। मैं आपको एक छोटी सी मैं आपको, मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो गई, मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ। इसने बोला आगे और पीछे नहीं है, इसके आगे पीछे होने के बावजूद इसने अपनी माँ का जनाजा लंदन से पार्सल कर दिया, अपनी बीवी का जनाजा लंदन से पार्सल कर दिया,
लानत ऐसे ऐसे वारसों के ऊपर जो अपनी माँ का जनाजा ना पढ़ सके। मैंने मेरे वालिद साहब बताते हैं कि पुराने दौर में कोई नूरी नाथ डाकू होता था, ठीक है, उसका उसको पुलिस नहीं पकड़ पाती थी, ठीक है। जब उसकी माँ फौत हुई ना तो उसने अपनी गिरफ्तारी कबूल कर ली, लेकिन माँ का जनाजा नहीं छोड़ा। ये बेशर्मों ने अपनी माँ को पार्सल कर दिया, अपनी बीवी को पार्सल कर दिया, और ये खुद भी ऐसे वारसों का कोई फायदा नहीं। मैं मरियम नवाज को सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देता हूँ कि तुम वारिस छोड़ो। वो कम से कम अपना मुल्क छोड़ के नहीं गया, गैरतमंद था ना तो अपनी माँ के नाम पे शौकत खानम हॉस्पिटल बना दिया, बगैरत होता ना तो लंदन भाग जाता। ये अवाम का जज्बा देखा है, मैं स्पीचलेस हो गया हूँ कि भाई ने हर चीज़ थोड़े से टाइम में बयान कर दी है और उन्होंने शानदार बातें की हैं कि अवाम को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो अवेयरनेस उसने 3-3.5 साल में दे दी है उसको फॉलो करें और मुल्क का अच्छे के लिए किरदार निभाएं अपना। बहुत शुक्रिया सर आपका।